Hello students, we are going to start with chapter 11th of class 8, that is force and pressure. Right, इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे. तो इस फर्स्ट पार्ट में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फोर्स. अब देखिए, फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कुछ भी काम करते हो, फोर्स तो एग्जर्ट होता ही है. जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे ये गेम खेल रहे हैं, है ना. दे आर जस्ट पुलिंग द रोप एंड लाइक टीम बनी हुई है, टीम ए टीम बी, दोनों में तीन तीन लोग हैं, ठीक है. एंड दिस इज अ यू कैन से अ रोप. सो दिस टीम इज एक्चुअली ट्राइंग टू पुल इट हियर दिस साइड एंड दे आर ट्राइंग टू पुल ऑन दिस साइड. तो अब ये क्या लगा रहे हैं, दे आर एग्जर्टिंग फोर्स ओनली ना, जोर लगा रहे हैं ना ये. इस जोर को ही हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं जोर को हम, इस जोर को हम बोलते हैं फोर्स. सो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पार्ट, दैट इज द पार्ट वन, दैट इज द चैप्टर फोर्स. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ऐसे ही लेट अस रिकॉल सम ऑफ आर एवरी डे एक्सपीरियंसेस. राइट, दैट वॉट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव. सपोज एक फुटबॉल है, अगर आप इसको मूव करना चाहते हो तो आप क्या करते हो. ऐसे ही अगर एक बॉल मूव होती आ रही है, आप उसको स्टॉप करना चाहते हो, देन वॉट यू डू. राइट, वैसे ही हाउ डज अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल. या आप कह सकते हो कि कोई भी जो फील्डर्स है, जैसे आप क्रिकेट तो आपको पता ही है ना, क्रिकेट तो बहुत अच्छा गेम है जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं खेलने में. क्रिकेट के अंदर जो फील्डर्स होते हैं, हाउ डू दे स्टॉप अ बॉल. अब ये सब क्या यूज करते हैं, ये यूज करते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी को, दैट इज अ फोर्स. सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर अबाउट द फोर्स एंड विच विल एक्चुअली मेक यू फैमिलियर दैट हाउ द फोर्स इज इंपॉर्टेंट टू अस एंड वॉट आर द काइंड ऑफ फोर्सेस, कौन से फैक्टर्स है जिन पे फोर्स डिपेंड करता है. सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर 11, दैट इज द पार्ट वन, फोर्स. टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर आर फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स. So first we are going to start with force. जैसे कि आप देख रहे हैं, कोई भी डोर होता है, डोर पे आप थोड़ा सा धक्का लगाते हैं तो डोर खुल जाता है. राइट, डोर ओपन हो जाता है. सो हियर ऑल्सो वट वी नीड इज वी नीड टू अप्लाई अ फोर्स एंड ऑब्वियसली वी आर अप्लाइंग अ फोर्स, दैट इज वाई जो डोर है वो खुल जाता है. सो वॉट इज फोर्स एक्चुअली. फोर्स इज अ पुश और अ पुल. किसी चीज को अपनी तरफ खींचना या अपने से दूर करना धक्का देकर, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स. सो वी कैन से दैट फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी. राइट, फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, जो मेजर हो सकती है. राइट, सो दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, दे आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज. सो फोर्स इज डेफिनेटली अ फिजिकल क्वांटिटी, इट कैन बी मेजर्ड एंड फोर्स कैन चेंज the speed, state, direction and dimension of object. कभी भी आप force किसी चीज पे लगाएंगे तो it can change the speed of the body, it can change the state of the body, it can change the direction of the body and also it can change the dimension of a body. So this is the force. So if somebody is going to ask you about force, you are going to answer in a way, it is a push or a pull. Or you can say it is a physical quantity that can bring about these kind of changes in an object. Right. So let us see what kind of changes it can bring and we'll have a suitable examples also. So the changes that force can bring, the first is the change in the speed. Right. जैसे कि आपने देखा, if someone pushes your bicycle, it starts moving faster. सपोज आपकी फ्रेंड आप बाइसिकल राइड कर रही है, आप पीछे से उसे धक्का देते हो तो बाइसिकल और तेज हो जाती है. राइट, सो इन दैट केस यू आर चेंजिंग द स्पीड, और यू कैन से द फोर्स विच यू आर अप्लाइंग इज चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बाइसिकल. सो दैट मीन्स फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी. राइट, और एक और बात आपने ध्यान रखनी है, फोर्स कभी भी नोटिस में तब आता है जब एटलीस्ट दो बॉडीज आपस में इंटरैक्ट करती हैं. मिनिमम टू बॉडीज आर रिक्वायर्ड
तभी दो बॉडीज चाहे आपस में छुएं चाहे आपस में टच ना करें, बट टू बॉडीज आर नेसेसरी टू हैव यू कैन से अ फोर्स टू कम इनटू प्ले, राइट? सो इट कैन चेंज द स्पीड. इन दिस फिगर यू कैन सी दैट देयर इज अ बॉल, बॉल आ रही है विद अ सर्टेन स्पीड एंड जो ये बच्चा है ही इज ट्राइंग टू कैच अ बॉल एंड व्हेन ही इज कैचिंग द बॉल तो बॉल अभी स्पीड से आ रही है बट द टाइम ही कैचेस तो एकदम से बॉल रेस्ट पे आ जाती है. तो दैट मीन्स स्पीड इज रिड्यूस्ड. पहले कुछ स्पीड थी, अब स्पीड क्या हो गई? कम हो गई. और यू कैन से स्टॉप हो गई वो. तो स्पीड कैन बी चेंज, कैन बी इंक्रीज्ड. स्पीड कैन बी इंक्रीज ऑल्सो, स्पीड कैन बी डिक्रीज ऑल्सो, राइट? इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी. इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी. वेन एवर वी से स्टेट, हियर वी रेफर्स टू कि कोई भी चीज रेस्ट वाली बॉडी को ये मोशन में ला सकता है, या आप कह सकते हो कि मोशन वाली बॉडी को ये रेस्ट पे भी ला सकता है. सो इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी. Suppose in this picture you can see that football is lying on a floor and it is at rest and this boy is just trying to kick a ball and the time he applies a force, that means he kicks the ball starts moving. So in this way he is changing the position of ball from rest to motion. So this is an example where the state of the body is being changed. And again, I told you that for force to come into notice, two bodies must interact, right? It can also change the dimension of body. Dimension ka matlab hai shape and size. Dimension means shape and size can be changed, right? For example, when you blow metal rod with hammer, आप हैमर से फोर्स लगा रहे हैं तो जो ये मेटल है इट चेंजेस इट्स डायमेंशन. मोरओवर अ डेली एग्जाम्पल, डेली रूटीन एग्जाम्पल, सपोज यू आर स्क्वीजिंग अ टूथपेस्ट. आप लोग सब ब्रश तो करते हैं डेली, है ना? तो जब आप ब्रश करते हो तो आप पेस्ट निकालते हो टूथपेस्ट से. तो वेन यू स्क्वीज द टूथपेस्ट वॉट हैपन, द शेप ऑफ टूथपेस्ट गेट्स चेंज्ड. और यू कैन से द ट्यूब, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्यूब, द स्क्वीजिंग द ट्यूब विच कंटेन द टूथपेस्ट. सो देयर इट चेंजेस द डायमेंशन, शेप एंड साइज इज बीइंग चेंज्ड. एंड अगेन इंपॉर्टेंट की नोट, फोर्स कम्स इन टू प्ले वेन टू बॉडीज इंट्रैक्ट. यहां पे भी देखो दो बॉडीज इंट्रैक्ट कर रही है, हैमर एंड अ मेटल रॉड. एंड मोर ओवर वेन यू आर स्क्वीजिंग अ टूथपेस्ट देन योर हैंड इज देयर एंड यू आर प्रेसिंग द ट्यूब. सो टू बॉडीज अगेन आर इंट्रैक्टिंग. इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑल्सो. सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो सपोज अ पर्सन इज हियर who is a batsman and a person is here who is throwing a ball, right? So when he throws a ball, the ball is coming in this way, but the batsman hits it. When he hits it, let's say he hits in this way, so it is changing the direction because the ball which was initially coming from here ab is direction mein move ho gayi. So it is changing the direction, right? So that means force can change the direction. Likewise, you can see in the figure, there is a person who is driving a car. So aap dekh rahe ho ki he is applying a force on a steering wheel and has, like jaise ye wheel pe force laga rahe hai, to car is being turned. That means the direction is being changed. So again, the two bodies comes into play. Like the hands and the steering wheel, similarly bat and the ball. So that means for the force to come in notice, two bodies must interact with each other. Now we have types of forces. We have two types of forces, contact force and non-contact force. So let us see what is the difference between the contact and the non-contact. बट एज द नेम सजेस्ट आप समझ सकते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कोई चीजें कॉन्टैक्ट में है, टच हो रही है आपस में. नॉन कॉन्टैक्ट वेन द बॉडीज आर नॉट टचिंग ईच अदर. सो दिस द काइंड ऑफ फोर्स विच एग्जिस्ट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सो लेट अस स्टडी देम इन डिटेल. वील स्टार्ट विद अ कॉन्टैक्ट फोर्स फर्स्ट. कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स. सपोज एज यू कैन सी इन द फिगर, दिस स्मॉल चाइल्ड इज जस्ट पुलिंग द टॉय. सो एज यू कैन सी दैट ही इज टचिंग द स्ट्रिंग.
ही इज होल्डिंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को पकड़ रखा है. सो दैट मीन टू बॉडीज आर बींग टच्ड, दे आर इन फिजिकली कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. सो अ काइंड ऑफ फोर्स विच एग्जिस्ट हियर इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. So the force that act only when two bodies are physically in contact with each other, then the force is a contact force. Example, muscular force. As you can see that boy is carrying a school bag and is going somewhere. So it is a muscular force because two bodies are in contact with each other. Frictional force. As you know that whenever we are writing, holding things, then it is all the frictional force that comes into play. And the mechanical force, that is the force exerted by the machine, again is a contact force. So these three are the contact force: muscular, frictional and mechanical. Let them study in detail now. Mechanical force, it is a force exerted by the machines, right? For example, आपको पता है कि हाइडल पावर स्टेशंस के अंदर क्या होता है? टर्बाइन्स आर देयर, क्या होता है? ऊपर डैम्स पे पानी होता है. Suppose this is a dam, here is a water, right? Gates are there. Gates, when gates are open, water flows. There is a turbine which actually runs and it is attached to the motor. So that means the electricity is generated, right? So that means the turbines in the hydel power station is they are exerting a kind of mechanical force. So the force which is exerted by machine, any kind of machine, is a mechanical force, and obviously it has to be in contact with the other body, so therefore it is a contact force. As you can see in the picture, it is the hydel power station where the turbines are being run and electricity is being produced. Muscular force, force exerted by muscles. For example, as you can see in the picture, boy is carrying a school bag. So here the muscles are applying the force, because when you are carrying a bag, you need to hold it properly. And kya cheez aapki body mein which enable you to hold the bag? Obviously the muscles. So muscles are exerting this force. So this is a muscular force, like picking of school bag, right? Or if you are picking a suitcase. So whenever you are holding anything with the use of your muscles, where your muscles play a role, then the force is a muscular force. Frictional force. Frictional force is actually, जैसे कि आप देखिए, suppose you are holding a pen. Suppose you are holding a pen. You are walking on floor, as you can see in the picture. Or you can say that when keep anything on table, let's say book kept on table. तो ये सारी जगह पे फ्रिक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, बिकॉज इट इज एन अपोजिंग फोर्स जो कि मोशन को अपोज करता है. सपोज एक बॉडी दूसरी बॉडी, लेट्स से दिस इज अ वन बॉडी एंड दिस इज अनदर बॉडी, राइट? सपोज दिस बॉडी ट्राइज टू मूव ऑन दिस बॉडी, ऑन द सर्फेस ऑफ दिस बॉडी, राइट? सो ये फोर्स लगा रही है एंड इट इज जस्ट मूविंग. सो देयर इज अ काइंड ऑफ फोर्स जो कि इसके मोशन को अपोज कर रहा है एंड इट इज ऑलवेज इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स. और फ्रिक्शनल फोर्स कब नोटिस में आता है? जब दो बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट में तो होनी ही चाहिए, बिकॉज इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट? बट यू कैन से दैट व्हेन वन बॉडी ट्राई टू मूव ऑन द सर्फेस ऑफ अनदर बॉडी, एज यू कैन सी इन द फिगर, दिस इज अ फ्लोर, राइट? दिस पर्सन इज मूविंग ऑन द फ्लोर, सो ही इज ट्राइंग टू मूव, बट देयर इज एन अपोजिंग फोर्स विच अपोजेस द मोशन एंड दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स. सो व्हेनेवर यू नीड टू वॉक, जैसे कि आप चलना चाहते हो तो आपको पता है कि बिना फोर्स लगाए तो आप चल नहीं सकते हो, है ना? तो फोर्स जब आप लगाओगे, इट विल ओवरकम दिस फ्रिक्शनल फोर्स, देन ओनली यू कैन मूव, राइट? सो फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है, बॉडी को टच होना जरूरी है आपस में, राइट? और दूसरा अपोजिंग फोर्स है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है. और ये कब आता है नोटिस में? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करने लगती है या पड़ी होती है, या व्हेन यू आर होल्डिंग अ पेन. सपोज आई एम होल्डिंग अ पेन, सपोज समबडी इज होल्डिंग अ पेन, तो वो पेन अपने आप हाथ से स्लिप तो नहीं होता है, बिकॉज एक्चुअली देयर इज अ फोर्स विच अपोजेस इट्स मोशन एंड दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स. So frictional force always opposes the
मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर बॉडी, और इसी करके आप चीजें अपनी जगह पे पड़ी हैं, आप पेन को होल्ड कर सकते हो, आप ग्राउंड पे चल सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द फ्रिक्शनल फोर्स एंड वील बी डिस्कसिंग दिस फ्रिक्शनल फोर्स इन डिटेल इन पार्ट टू. बट फॉर दिस मोमेंट यू शुड नो, बिकॉज हम अभी पढ़ रहे हैं वॉट इज कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. So for this moment you should only be familiar that frictional force is also a kind of contact force, क्योंकि इसके लिए भी बॉडी दोनों आपस में टच होनी जरूरी है. Moreover, it is an opposing force and it comes into play when one body just starts or when one body is about to move on the another body. Now we have non-contact force. Non-contact force, as the name suggests, non-contact मतलब touch नहीं हो रहा है, physical contact नहीं हो रहा है, पर फिर भी force exert हो रहा है. So force that act when the bodies are not in physically contact with each other. मतलब bodies आपस में physically contact में नहीं है, पर फिर भी ये force लग रहा है. As you can see that this is an apple tree, तो apple जब भी गिरता है तो ना एप्पल ऊपर की तरफ गिरता है ना एप्पल साइड पे गिरता है. एप्पल हमेशा कहाँ गिरता है? डाउन गिरता है, नीचे की तरफ गिरता है. क्यों? क्योंकि अर्थ पे क्या है? ग्रेविटी है. अर्थ की में क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है जिसको आप ग्रेविटी बोलते हो, जो चीजों को अपनी तरफ खींचता है. तो क्या अर्थ की ग्रेविटी एप्पल के कॉन्टैक्ट में है? नहीं है. बट स्टिल इट इज अट्रैक्टिंग एप्पल टूवर्ड इट सेल्फ. देखिये तभी तो इतने सारे एप्पल्स नीचे गिरे हुए है ना. तो इसलिए two bodies are not in physically contact but still there is a force and that is a non-contact force. So forces non-contact bhi ho sakte hai. Let's see what are those non-contact forces. Magnetic force, electrostatic force, gravitational force. Jaise ki aap dekh pa rahe hai, magnet is attracting the nails. This is a magnetic force. As you can see in this picture, comb is attracting a small bits of paper because they are charged, so it is an electrostatic force. Gravitational force, I have already been explained, ki koi bhi cheez girti hai, it is falling towards the ground due to the gravity present in the earth, right? So they are in, these three forces are non-contact, that means they are not in contact with each other, par phir bhi ye force exert ho raha hai, right? So let us study them in detail now. First we have is a magnetic force. It is a force exerted by magnets, and you know that magnets attract which kind of objects in a better way? Obviously, iron objects. So, magnet jo force exert karta iron object pe, that is a magnetic force. ठीक है, magnetic force जो magnet और iron के बीच में एक force है, it is always attractive in nature. मतलब कभी भी repel नहीं होता है, मतलब अपनी तरफ खींचता ही है, कभी अपने से दूर नहीं करता है. तो इट इज अ काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स. सपोज यू हैव अ मैग्नेट हियर, लेट्स से दिस इज अ मैग्नेट एंड दिस इज एन आयरन नेल. सो व्हेनेवर द आयरन नेल इज यू कैन से थोड़ा सा पास लाएंगे, इट विल गेट अट्रैक्ट टू इट और इसके साथ चिपक जाएगा. सो दिस इज ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट. एंड यू नो दैट वेयर दिस मैग्नेटिक फोर्स इज बीइंग यूज्ड. आप ये देखते हैं, जितना भी आप ये कह सकते हो स्क्रैप होता है, स्क्रैप के अंदर आयरन चीजें भी होती है आयरन की, तो वहां पे हम मैग्नेट का यूज करते हैं. इट इज जस्ट यूज टू एक्सट्रैक्ट द आयरन फ्रॉम द गार्बेजेस एंड ऑल, ताकि आप आयरन को अलग कर सके, फिर उसके बाद इस आयरन को पिघला के हम कुछ कुछ चीजें में इसको यूज कर सकते हैं. सो इट इज जस्ट यू कैन से दैट रिसाइकलिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स. सो दिस इज अ मैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स. आपको पता है पार्टिकल चार्ज हो सकते हैं, और दो तरह के चार्जेस होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है, तो अब ये चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, दैट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब चार्जेस हो सकता है कि हम दो चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव की बात कर रहे हो सकता है हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हो सकता है हम नेगेटिव नेगेटिव की बात कर रहे हो. तो कभी भी जो सेम काइंड के चार्जेस होते हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है? रिपल्सिव. मतलब वो दूर दूर जाते हैं आपस में, दे रिपेल ईच अदर. दे रिपेल का मतलब है जैसे कि ये पॉजिटिव बॉडी है, ये भी पॉजिटिव है, सो व्हेन वी विल ट्राई टू मेक देम क्लोजर, दे विल बिकम, दे विल बी क्लोजर तभी जब तक आप फोर्स लगा रहे हो. जैसे आप उसको छोड़ दोगे, दे विल स्टार्ट मूविंग अपार्ट बिकॉज सेम चार्जेस रिपेल. Same happen in with negative negative one also, but if you talk about the positive negative one, they attract each other.
they always like when they are kept here, suppose one positive is here and one negative is here, so they will come closer because the opposite charge attract each other. So electrostatic force can be attractive, can be repulsive. It depends upon that what kind of charges we are talking about. If they are same charges, then it is repulsive. If it is opposite charges, it is attractive. As you can see here, the comb attracting the small bits of paper. So how it is done? जैसे कि आपने कॉम लिया, ड्राई हेयर के साथ आपने इसको रब किया, इट बिकम चार्ज, सो इट कैन एक्चुअली अट्रैक्ट द अनचार्ज बॉडी दैट इज दीज बिट्स ऑफ पेपर बिकॉज इट बिकम्स चार्ज. ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ग्रेविटी. आपको जैसे मैंने बताया अर्थ के अंदर क्या है, ग्रेविटी है. ग्रेविटी मतलब एक पुल है, एक अट्रैक्टिव पुल है जो चीजों को अपनी तरफ खींच रहा है. तो ये आपस में कॉन्टैक्ट में तो नहीं है, डेफिनेटली नॉन कॉन्टैक्ट है, बट स्टिल कोई भी चीज अर्थ सर्फेस पे फेंको नीचे ही जाती है बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल इज सो स्ट्रॉन्ग. सो फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ग्रेविटी ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटेशनल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नेवर रिपल्सिव, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. चीजों को हमेशा अपने पास ही खींचती है, कभी रिपेल नहीं करती है. दैट इज वाई जब भी आप कोई चीज अर्थ पे गिरेंगे, इट विल फॉल डाउन टूवर्ड्स द अर्थ ग्रेविटी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ कॉन्टैक्ट फोर्स दैट इज अ मस्कुलर फोर्स. जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स है जिसके अंदर बॉडीज को आपस में फिजिकली कॉन्टैक्ट में आना पड़ता है, तो उसका ही एक सब टाइप है हमारे पास मस्कुलर फोर्स. ठीक है, तो पहले हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जिसके कारण आपको पता लग जाएगा कि मस्कुलर फोर्स हम कहां कहां पे यूज कर सकते हैं और कैसे यूज करते हैं. राइट, लाइक कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट. सपोज आपके पास एक टेबल है, राइट, और यहां पे एक बुक पड़ी है, राइट, सो कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक विदाउट टचिंग इट. या फिर मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज यू हैव अ बकेट ऑफ वॉटर, दिस इज अ बकेट ऑफ वॉटर, राइट, दिस इज अ बकेट फिल्ड विद वॉटर. सो कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वॉटर विदाउट होल्डिंग इट. उठा सकते हो आप इसको बिना पकड़े. ठीक है, तो ऐसे ही इसको बकेट को उठाने के लिए या इस बुक को पुश या लिफ्ट करने के लिए यू नीड टू टच इट. राइट, मींस यू नीड टू अप्लाई अ फोर्स. ऑब्वियसली फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, है ना. यू नीड टू अप्लाई अ फोर्स, राइट, एंड दिस फोर्स कैन बी एक्सर्टेड बाय अ हैंड, कैन बी एक्सर्टेड बाय हैंड्स, कैन बी एक्सर्टेड विद द हेल्प ऑफ स्टिक, कैन बी एक्सर्टेड विद द हेल्प ऑफ रोप, और किसी भी चीज से, हैंड से, स्टिक से, रोप से, मतलब जब भी आपको इसको फोर्स लगाना है, राइट, तो दैट मींस आपकी मस्कुलर फोर्स ने यहां पे काम करना है, राइट. सो दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन द बॉडी. ठीक है, अब समझ गए ना आप. जैसे कि ये बुक पड़ी है, अब इसको उठाना है या इसको रखना है या इसको पुश करना है, यू नीड टू अप्लाई फोर्स और दिस फोर्स इज गोइंग टू बी अप्लाइड इन एज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. आपको छूना पड़ेगा इसको, तो आप हैंड से, स्टिक से, रोप के मीन से, आप किसी भी तरीके से इस पे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किसका है, मसल्स का है ना. सो द फोर्स दैट इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इनसाइड द बॉडी, That is something called as muscular force. और जैसे कि मैंने आपको बताया, muscular force is a contact force. कभी भी muscular force बिना छुए आप, directly या indirectly, है ना, जैसे directly hand से छुआ आपने, stick और rope से आपने indirectly लगाया, तो मतलब physical contact तो जरूरी है. So that means it is a contact force, right? So the force that is caused by the action of muscles inside the body, That is called as muscular force, जिसके कारण आप बहुत सारे काम कर पाते हो. एनिमल्स की बात करते हैं, यू नो दैट एनिमल्स मेक यूज ऑफ दिस मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट सो मेनी फिजिकल टास्क. बहुत सारे फिजिकल टास्क है जो कि एनिमल्स कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मस्कुलर फोर्स. लाइक Animals like bullocks, horses and donkeys etc. They actually exert a muscular force. और आप देखो ये किस तरीके से इस टांगे को चला रहे हैं.
सो यहां पे कौन फोर्स एग्जर्ट कर रहा है? ऑब्वियसली मसल्स ही फोर्स एग्जर्ट कर रही है ना बुलॉक्स की. तो ऐसे ही हॉर्सेस, डंकीज, ये सब एग्जर्ट कर सकते हैं अपने मस्कुलर फोर्स एंड दे कैन एक्चुअली राइड अ व्हीकल. आप देखो कितने लोगों को बिठा कर एट अ टाइम ये ले जा रहे हैं. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स. ऐसे ही कूली यूजेस अ मस्कुलर फोर्स टू लिफ्ट लगेज. आप कभी भी ट्रेन से उतरते हैं या ठीक है, तो आपके पास अगर बहुत सारा लगेज है तो आप क्या करते हो? आप कूली हायर करते हो ना. तो कूली क्या करता है? कूली कैरीज लगेज, योर लगेज, राइट. तो कूली क्या करता है? ही कैरीज अ लगेज. तो लगेज वो कैसे उठा पाते हैं? ऑब्वियसली ही अप्लाइज अ मस्कुलर फोर्स इन दिस केस. लाइक वाइज इफ यू टॉक अबाउट एथलीट, एथलीट यूजेस दिस मस्कुलर फोर्स फॉर रनिंग. एज यू कैन सी इन द फिगर, कोई भी रेसेस होती है या कुछ भी चीज जिसपे भी रनिंग कर रहे हो या आप कुछ चीज कर रहे हो, तो मस्कुलर फोर्स इज एक्चुअली अप्लाइड इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस. सो आई थिंक यू गॉट इट दैट मस्कुलर फोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स. मस्कुलर फोर्स करके ही तो आप कुछ एक्टिविटीज कर पा रहे हो. लाइक इफ यू आर गोइंग समवेयर एंड यू आर होल्डिंग योर बैग, सो यू आर एबल टू होल्ड योर बैग जस्ट बिकॉज ऑफ द मस्कुलर फोर्स अप्लाइड बाय द मसल्स ऑफ योर बॉडी. सो दैट मीन्स मस्कुलर फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. मस्कुलर फोर्स बहुत जरूरी फोर्स है क्योंकि उसी करके आप बहुत सारी चीजें कर पाते हो. लेट अस स्टार्ट विद फ्यू क्वेश्चन आंसर्स नाउ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द सिचुएशंस इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. सो द एग्जाम्पल्स आर पुशिंग अ बाइसिकल टू मूव इट, पुलिंग द टेबल टू चेंज इट्स पोजिशन. Second question is, give two examples of situations in which applied force causes a change in the shape of an object. When we press the foam, shape is changed. Similarly, when we stretch the rubber band, again the shape is changed. Third question, a blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. How does the force due to hammering affect the piece of iron? So the force due to hammering causes the change in the shape of the iron and iron can be molded into the shape of the required tool. Name the forces acting on a plastic bucket containing water held above the ground level in your hand and discuss why the forces acting on the bucket do not bring a change in its state of motion. So the first thing we would like to know is the forces acting on a bucket. It is a muscular and a gravitational force. And the forces which are acting on a bucket do not bring a change in a state of motion because they are acting in a opposite directions with equal magnitude. Therefore, net force is zero. Thank you.